पहला बात कि इस शब्द को अपने फोन में सेव करो और पहले 2 महीने रोज पढ़ो, उसके बाद टिल इट बिकम्स ए हैबिट, टिल इट बिकम्स ए पार्ट ऑफ योर लाइफ, टिल इट बिकम्स ए पार्ट ऑफ योर डे टू डे एक्टिविटीज। तो सबसे पहले इसको अपने अंदर डालो, अपनी हैबिट्स में, अपनी पर्सनालिटी का एक हिस्सा बनाओ इस ओथ को। सेकेंड, ये याद रखना, आप लोग डॉक्टर बने हो, भगवान या खुदा नहीं बने। ये कहना छोड़ दो मैंने किया, मैंने सीट निकाल ली, मुझे सीट मिल गई, मैंने मेहनत की, आप लोगों ने कुछ नहीं किया। आपसे बड़े बड़े होनहार बच्चे बाहर सड़क पे बीएससी बीए की तैयारी कर रहे हैं। ये आप लोगों के ऊपर कुदरत की मेहरबानी हुई है, आपके भगवान की, आपके खुदा की, आपके वाहेगुरु की, जिसको भी आप मान लो, उसने आप पे मेहरबानी की है, आपको एक मौका दिया है सोसाइटी की खिदमत करने का। तो अपने दिमाग में वो अहंकार नहीं ला देना, मैंने पता नहीं पहाड़ तोड़ दिया, मैं तो बहुत ब्रिलियंट आदमी हूँ, कुदरत के आगे आप कुछ नहीं हो। दूसरी बात ये याद रखना, मैंने किया ये कहना छोड़ देना, मैंने किया, मैंने डिग्री ली, मैंने सीट निकाली ना, अगर ऊपर वाले की मर्जी नहीं होगी आप कुछ नहीं कर पाओगे। और जब ये चीज तुम लोग अपने ऊपर अप्लाई करोगे, आप किसी मरीज को, किसी पेशेंट को दुख नहीं दोगे, उसको तंग नहीं करोगे, उसके साथ नाजायज नहीं करोगे, उसको पैसों के लिए लालच नहीं आएगा तुम्हारे मन में, जब तुम लोगों को ये बात अपने दिमाग में कर ली कि मैं कुछ नहीं हूं, मेरे से करवाने वाला कोई ऊपर है और जो मैं करूंगा वो ऊपर वाले की मर्जी के बिना नहीं होगा। तो दूसरी बात, जिंदगी में मैंने किया, मैंने अचीव किया, मैंने किया, मैंने वाला आदत छोड़ देना, मैंने कुछ नहीं होता, ये ऊपर वाला होता। मैं सच बोलता हूँ, मेरी क्लास में मेरे से बेहतरीन बच्चे थे, वो कहीं अभी मेडिकल ऑफिसर बने हैं पेरिफेरी में, गांव में कहीं दूर दराज नौकरी कर रहे हैं। वेलकम और मेडिकल सुपरिटेंडेंट, ये हमारे हॉस्पिटल की एक बहुत बड़ी ताकत है, जान है, जो पूरा हॉस्पिटल संभाले हुए, और आप लोगों ने डॉक्टर बन के इनके साथ ही काम करना है। तो इनका, इनकी वजह से मैं आपको बोलूँ, इनकी वजह और जो हमारी फैकल्टी है, जो हमारी जितनी भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, उसकी वजह से राजौरी पूरे हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर आया है डिजिटल इम्प्लीमेंटेशन, हिंदुस्तान सेकेंड नंबर। स्कैन एंड शेयर एक ऐप होता है, आप लोगों को भी समझ नहीं आएगी, और यूपी में तो हम नंबर 1 पे चलते ही जा रहे हैं। राजौरी मेडिकल कॉलेज, हमारी कैटरेक्ट सर्जरी, गाइनी सर्जरी, हमारी एडवांस सर्जरी, राजौरी आपके यूपी में नंबर 1 नंबर 2 पे चल रहा है। हमने जीएमसी जम्मू, जीएमसी जम्मू को इसे छोड़ दिया है, और ये भी अगर कहें हमने किया, ये नहीं किया, ये ऊपर वाले ने हम पे मेहरबानी किया, नहीं तो आप रिमोट एरिया में विद लिमिटेड रिसोर्सेज, अब हमारा नाम है, जब भी जीएमसी राजौरी का नाम जाता है सरकार में तो उनके कान खड़े हो जाते हैं, यार कोई डॉन आ रहे हैं, है ना। तो जीएमसी राजौरी उस पोजीशन पे पहुंच गया। तो सेकंड बात मैं बोल रहा था कि मैंने करने की आदत छोड़ देना, जो करवाएगा ऊपर वाला करवाएगा, ये अपने दिमाग में डालोगे तो आप अपने मरीज से कभी भी बुरा नहीं करोगे। यू विल ऑलवेज बी हेल्पफुल, यू विल ऑलवेज बी सिंसियर, यू विल ऑलवेज बी ऑनेस्ट टू योर पेशेंट्स, जब आप ऊपर वाले से डरोगे, और जब आपको ऊपर वाले का डर खत्म हो गया, आप करप्ट हो जाओगे, डिसऑनेस्ट हो जाओगे, बेईमान हो जाओगे, आपको इंसान की कीमत नहीं रहेगी, आपको इंसान आएगा पैसे देखोगे, पैसे आ गए, जिस दिन आपको ऊपर वाले का डर खत्म हो गया। इसलिए मैं बार बार जोर डाल रहा हूं, मैंने नहीं, उसने, और जब तक आपके दिल और दिमाग में उसने रहेगा आप कोई बुरा काम नहीं कर सकोगे, अपने साथ या किसी के साथ भी बुरा नहीं करोगे। तीसरी बात, इंपॉर्टेंट बातें याद रखना, ये किताबों में नहीं है, ये जो हमने देखा अपनी जिंदगी में, मेडिकल प्रोफेशन में जिस जिसने बुरा किया उसके साथ बुरा हुआ है, ये मेरा, मैं रिटर्न में देख सकता हूँ इसको, किसी को भी, मेरे सभी कोलीग्स मानेंगे कि मेडिकल प्रोफेशन में अगर किसी ने किसी मरीज के साथ बुरा किया, उसका सिला उसको इसी जिंदगी में मिला किसी न किसी रूप में, ही या शी हैज टू सफर। अगर किसी ने भी किसी मरीज के साथ बुरा किया, उसका हिसाब किताब इसी दुनिया में हमने होते हुए देखा है। मैं बता रहा था मेरे से ब्रिलियंट लोग थे मेरी क्लास में, लेकिन ऊपर वाले ने मेहरबानी करनी थी, हमें इस पोजीशन पे पहुंचा दिया। मेरे से भी ब्रिलियंट लोग हैं जो बैठे हुए कहीं पे, तो मेरे ऊपर मेहरबानी रही ऊपर वाले की, मैं आपको एज ए प्रिंसिपल एड्रेस कर रहा हूं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जब आप एमबीबीएस में आते हो तो सबके दिमाग में ये होता है यार ये पढ़ाई 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 है, सिर्फ पढ़ना है हमें, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारे जैसे लोग, डॉक्टर शेखर
हमारे घर से लोग अगर डॉक्टर बन सकते हैं, आप आराम से बन सकते हैं, ठीक है, आप बड़े आराम से बन सकते हैं। और हमारे जैसे बन के अगर हम एडमिनिस्ट्रेटर भी बन गए, कैपेबल, और काम भी दे रहे हैं, रिजल्ट भी निकाल के दे रहे हैं, तो दैट मीन्स ये MBBS कोई मुश्किल नहीं है, होबा नहीं है। ये सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बन जाना कि सुबह शाम किताब में घुसे रहना, अपना टाइम टेबल बनाना है, उसमें आपका खेल भी होनी चाहिए, कूद भी होनी चाहिए, वॉक भी होनी चाहिए, जिम भी होना चाहिए, हॉबी भी होनी चाहिए और स्टडी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है MBBS की सजा नहीं मिल गई आप लोगों को कि सुबह शाम बुक खोल के बैठे हुए। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं फर्स्ट ईयर में आते हैं ना गुलाब की तरह, ये मैं आप हमेशा बोलता हूँ, हर बार बच्चों को यही बात बोलता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी बात है। जब आते हैं तो गुलाब की तरह खिले होते हैं, और फाइनल ईयर में जैसे निकलते हैं कांटा सूखा, गुलाब का एक कांटा नहीं लगा होता साथ में, वैसे निकलते हैं। क्यों भाई, इतनी कौन सी आफत आ गई, आप लोगों ने कौन सा हिंदुस्तान चला लिया, हमारे तो मोदी साहब भी रंग से भरे हुए लाल लाल है, मुल्क चलाते हैं वो, तो अगर इतना स्ट्रेस हो गया तो हमारे प्रधानमंत्री भी सूखे कांटा हो गए होते। तो जैसे आज आए हो इससे ज्यादा हेल्दी होकर निकलना है, और उसके लिए आप लोगों को हेल्दी वे ऑफ लाइफ अडॉप्ट करना है, समय पे खाना है। अब ये नहीं होता कि चिकन ही खाना है, जो हॉस्टल में चिकन नहीं मिलता, अगर चिकन खा के बड़ी होती तो हाथ शेर जो होता हाथी से बड़ा होगा, हाथी तो घास फूस खाता है, वेजिटेरियन है ना, गाय भैंस भी तो वो तो इतनी बड़ी बड़ी है। तो ये कंसेप्ट भी निकाल दो कि नॉन वेज मिलेगा तो हमारी हेल्थ ठीक रहेगी। जो मिलता है घर से बाहर आए हो, कोई पिकनिक नहीं है, घर में जो कंफर्ट है वो बाहर नहीं होते, तो जो मिलेगा लेकिन खाना टाइम पे, अपनी सेहत का ध्यान रखना है। और दूसरी बात, बुरी आदतों से दूर रहना है, सिगरेट, ये दूसरे किसी भी प्रकार का नशा, कोई सीनियर, कोई दोस्त, या ट्राई कर लो, वो ट्राई जिस दिन किया उस दिन आपका डाउनफॉल शुरू हो गया, ठीक है। तो एक अपनी विल पावर रखनी है कि मैंने ये गलत काम नहीं करना, नहीं करना, मुझे जो मर्जी हो जाए, मैंने ट्राई भी नहीं करना। जब आप लोगों ने ये करना ही है तो ट्राई किस लिए करना, तो जब आप ट्राई कर रहे हो इसका मतलब आपने करना है। जिस चीज को मैंने करना ही नहीं है, अगर मुझे गाड़ी नहीं चलानी, मुझे डर लगता है, तो मैं ड्राइविंग की ट्राई नहीं करूंगा। और अगर मेरा पैशन है कि मुझे जहाज भी चलाना, तो आई विल ट्राई, मैं तो सीखूंगा, ठीक है। तो हॉस्टल में यू हैव टू बी अवे फ्रॉम ऑल दीज बैड हैबिट्स, आपस में मिल के रहना है, कोई ऐसा ना, मुझे उस मामले में जितना हेल्पफुल स्टूडेंट्स है उतना मैं सख्त भी हूं, मुझे ये खबर ना मिले हॉस्टल में बाहर में हिंदो इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, कोई हार गया कोई जीत गया तो आपस में लड़ाई होगी, वो हमने रजौरी में पनपने नहीं दिया, आज तक नहीं होने दिया, ठीक है। तो उस तरफ तो सोचना ही मत, अदरवाइज रेस्ट्रिकेशन की लेटर मेरे ऑफिस में स्टूडेंट सेक्शन में रेडी होती है। जिस दिन मुझे पता चला कि जिस स्टूडेंट ने यहाँ पे कास्ट, क्रीड, रिलीजन बेस्ड कोई बात भी कर दी हमारे कैंपस में, मेरा पैन बिल्कुल नहीं रुकता, सीधा रेस्ट्रिकेशन फ्रॉम द कॉलेज एंड रिकमेंडेशन टू द यूनिवर्सिटी। कोई सिफारिश नहीं सुनता, अब तो सरकार नहीं है, मंत्रियों की सिफारिशें भी हम सुनते, ठीक है। तो उसमें अपने आप को थोड़ा कंस्ट्रेंट में रहना, एज ए स्टूडेंट बिहेव करना, कोई कास्ट, क्रीड, रिलीजन की बात मेरे हमारे कैंपस में नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद हमारे कोऑर्डिनेटर डॉक्टर चंद्रशेखर ने आपको बता दिया कि क्या करना है क्या नहीं करना। सेकंड इम्पॉर्टेंट बात, मुझे बड़े पेरेंट्स के भी फ़ोन आते हैं, स्टूडेंट के भी हॉस्टल चाहिए, तो पेरेंट्स को भी जो आए मैं उनको भी ये बताना चाहता हूँ कि ये एक अपकमिंग कॉलेज है, ये अभी अपनी इन्फेंसी से नहीं निकला, अभी मसा इसको 3-4-5 साल हुए हैं। तो मेडिकल कॉलेज जम्मू 70 साल हो गए हैं, वहाँ हॉस्टल की कमी है, श्रीनगर को 100 साल हो गए हैं, वहाँ हॉस्टल की कमी है। तो ये तो अभी बन रहा है, आने वाले बैचेस को, यहाँ तो प्रिंसिपल का क्वार्टर भी नहीं है, पूछो मैं होटल में रहता हूँ या एक डॉग बंगले में रहता हूँ, यहाँ तो प्रिंसिपल का क्वार्टर भी नहीं है, तो क्या मैंने काम करना छोड़ दिया? मैं डबल ताकत से काम करता हूँ, क्योंकि यह मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी सरकार ने इसको बनाने की। अगर मैं ही शिकायत करूँगा तो बनाएगा कौन? मैं ही बैठ जाऊँ सेक्रेटरी को, गवर्नर को शिकायत करूँ, भाई मैं नहीं कर सकता, मेरे पास तो रहने की जगह नहीं है, तो बोलेंगे कि भाई भेजा तुम्हें इसलिए कि बनानी है जगह। तो आपके न्यू बैचेस है, आपको परेशानी आएगी, दिक्कत आएगी, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। पेरेंट्स को मैं बोलूँ, ये 1-1.5 करोड़ की सीट है जो इनको मुफ्त में मिली है,
अगर यही बच्चे अगर बांग्लादेश चाइना बाहर जाते तो 1 से 1.5 करोड़ रुपए की एमबीबीएस की सीट है जो सरकार ने आप लोगों को फ्री में फैसिलिटी दी है, ठीक है, फैसिलिटी दी है। तो जब इतना सरकार ने किया आपके लिए, गवर्नमेंट इतना कर रही है कि जगह जगह मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, तो ये एक अंडरस्टूड होना चाहिए भाई हम इनिशियल बैचेज हैं, हमें प्रॉब्लम आएगी। आगे के हमारे एओ साहब काम कर रहे हैं, संजय कहते हैं हमने कोशिश कर रहे हैं कोई यहाँ पे बड़ी बिल्डिंग मिले, वो हम पिछले 3-4 महीने से कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जैसे मेटेरियलाइज हो जाएगा तो वील ट्राई टू प्रोवाइड रूम्स आल्सो, और हमारे वो दूसरे जो जूनियर डॉक्टर्स के हॉस्टल हैं वो भी रेडी हो रहे हैं, तो उसमें जो कमरे हमारे बचेंगे वो भी हम प्रायोरिटी पे आप लोगों को देने की कोशिश करेंगे। और जैसे रूम्स अवेलेबल होंगे, हमारा एक सेट प्रोसीजर है, जैसे ऑल इंडिया कोटा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, फिर जो बाहर से हैं, तो एक पूरा सेट प्रोफाइल है जिसके तहत आप लोगों को दी जाती है। तो एट द एंड मैं फिर बोलूँगा आपको बड़ी बड़ी मुबारक है, यू आर द लकी पीपल, आप बहुत किस्मत वाले हो, आपके पेरेंट्स बहुत किस्मत वाले हैं कि आपको इंसानियत की खिदमत करने का मौका मिला। पैसा कमाने के लिए देयर आर मेनी अदर प्रोफेशंस, यू कैन ओपन ए शॉप, यू कैन ओपन ए मीट शॉप, यू कैन ओपन ए रेस्टोरेंट, यू कैन ओपन एनीथिंग, यू कैन डू बिजनेस, यू कैन ओपन जिम, यू कैन डू प्रॉपर्टी बिजनेस, प्रॉपर्टी डीलर। सो मनी कैन बी अर्न फ्रॉम ए नंबर ऑफ वेज, बट देर इज नो प्रोफेशन विच विल गिव यू मनी एज वेल एज रिस्पेक्ट। दिस इज अ प्रोफेशन वेयर यू विल अर्न योर लाइवलीहुड, आप भूखे नहीं मरो, आप अपनी जिंदगी अच्छे ढंग से बिताओगे, और साथ ही साथ में आप लोगों को लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा। और जिस दिन आप लोग डॉक्टर बनोगे, आपने किसी गरीब की हेल्प की, तो जो उसकी आंखों में स्माइल होगी ना, उसको ध्यान से देखना कि उसकी आंखों से कितनी दुआ निकलेगी आप लोगों के लिए, दैट विल बी वर्थ करोड़ ऑफ रुपीज, वो आपको करोड़ों रुपये से ज़्यादा आपको हैप्पीनेस देगा, ठीक है। और आप लोगों को ये डिफरेंस करना आना चाहिए, हैप्पीनेस, व्हाट इज हैप्पीनेस, हैप्पीनेस और प्लेजर क्या होता है, हैप्पीनेस एंड सक्सेस में क्या फर्क है, हैप्पीनेस और जॉय में क्या फर्क है। आज आप हैप्पी हो, लेकिन मेरी नज़र में हैप्पी नहीं हो, आप सक्सेसफुल हो, तो हैप्पीनेस और सक्सेसफुल में क्या फर्क है, ये आप लोगों को वक्त आने पर सीखोगे अपनी जिंदगी में। हैप्पीनेस है जो आखिर दम तक आपके साथ रहेगी, और ये जो आप ये सक्सेस है, ये प्लेजर है, ये थोड़े दिनों के लिए रहेगा, उसके बाद आप लोग कहोगे यार क्या मुझे फंस गया, वो हैप्पीनेस का काम। तो लेकिन आप जब किसी गरीब की हेल्प करोगे, किसी मददगार की हेल्प करोगे, किसी मर्द को बचाओगे, तो जो आपको वो फीलिंग आएगी वो कभी ख़त्म नहीं होगी, वो कभी ट्रांजिट नहीं है, ये हैप्पीनेस ट्रांजिट है, ये ख़त्म होगी। लेकिन जब आप किसी गरीब मरीज की हेल्प करोगे, किसी की जान बचाओगे, और जो फीलिंग तब आएगी, दैट इज़ रियल हैप्पीनेस, क्योंकि वो आपके मरने दम तक ख़त्म ही नहीं होगी। सो ट्रू हैप्पीनेस इज जो कभी ख़त्म नहीं होती, इसको मैं प्लेजर बोलता हूँ, जॉय बोलता हूँ, ब्लिस बोलता हूँ, सक्सेस बोलता हूँ, दिस इज नॉट हैप्पीनेस। तो जैसे जैसे आप इस प्रोफेशन में जाओगे, डॉक्टर बनोगे, यू विल फील हैप्पीनेस, आप हैप्पी, आप अंदर से खुश हो जाओगे, आप खुशी बांटोगे, आपस में प्यार से रहना, पढ़ाई करना, पूरी फैकल्टी आपके साथ है, पूरा प्रिंसिपल ऑफिस आप लोगों के साथ है, किसी भी तरह की कोई मुश्किल, पर्सनल लेवल पे, फैमिली लेवल पे, पढ़ाई लेवल पे, ऑल ऑफ अवर स्टाफ इज ऑलवेज अवेलेबल टू यू इन ऑल योर फील्ड, नॉट इवन योर स्टडी, योर प्रॉब्लम इज स्टेइंग एट रजौरी, एनी मेडिकल प्रॉब्लम, और मेडिकल सुपरिटेंडेंट इज ऑलवेज अवेलेबल, किसी को कोई बीमार हो गया है, कोई घर जाना है, घर की याद आ रही है, पेरेंट्स से मिलना है, एनी थिंग यू कैन डिस्कस विद योर कोऑर्डिनेटर्स, और यू कैन डिस्कस विद मी ऑल्सो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। प्यार से रहना, ईगो नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, और अहंकार नहीं करना, और माफ करने की एक जो आदत होती है वो डालो, किसी ने बुरा बोल दिया तो ये नहीं अब मैं इसके दांत तोड़ के बैठूंगा, वैसा नहीं, ठीक है। वो कहते हैं ना, जिंदगी को कुछ इस तरह से आसान कर लेना, किसी से माफी मांग लेना और किसी को माफ कर लेना। तो विद दीज वर्ड्स आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ फ्यूचर, मैं चाहता हूँ आप सक्सेसफुल हो, रजौरी रजौरी का नाम करो, अच्छे सर्जन बनो, अच्छे फिजिशियन बनो, अच्छे डॉक्टर बनो, और एबोवल एक अच्छे ह्यूमन बींग बन के रजौरी से जाओ, ताकि हम भी बोलें कि वो जो स्टूडेंट है वो हमारा मेडिकल कॉलेज रजौरी का। थैंक यू।